हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मेरे यूट्यूब चैनल मूवीज फैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म का ट्रेलर के बारे में। कार्तिक आर्यन का डेब्यू फिल्म प्यार के पंचनामा के सक्सेस के बाद वो कई फिल्मों में नजर आए, जैसे आकाशवाणी, कांची, प्यार का पंचनामा 2, सोनू का टीटू की स्वीटी, लुका छुपी, पति पत्नी और 2007 में अक्षय कुमार की रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके सेकंड पार्ट में अक्षय की जगह कोई और भी ले सकता है। जब कार्तिक आर्यन के बाद सेकंड पार्ट में हुई थी तो लोगों का कहना था कि अक्षय के बिना भूल भुलैया 2 नहीं चल पाएगी, पर कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 2 को अपने दम पर चला के दिखा दिया और पार्ट 3 भी अनाउंस हो चुका है। इस बार फिल्म का फंडा है कि पहले हाफ में फन, फिर हाफ पार्ट में इमोशन, फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग, फिर दी एंड। पर बात ये नहीं है कि फिल्मों में क्या फंडा चलता है, बात तो ये है कि कार्तिक आर्यन निराश नहीं करते हैं। अब उनकी आने वाली म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म सत्य प्रेम की कहानी में वो एक गुजराती लड़का सत्य प्रेम यानी सत्तू के किरदार में नजर आएंगे। ट्रेलर में एक लड़की है जो पहले से ही रिलेशनशिप में है और अपना हीरो उस लड़की को फिर भी पटा ही लेता है। हीरो को लगता है कि सच बोलने से पहले क्या सोचना भला, और बड़े बड़े सच भी यूं बोल देता है। पर इसमें एक डायलॉग है, सोचना पड़ता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होते और कुछ जो खुद को बर्दाश्त नहीं होते। इस ट्रेलर को काफी होशियारी से कट किया गया है, नहीं तो आजकल के ट्रेलर में ही पूरी फिल्म देखी जा सकती है। ट्रेलर में रोमांस है, कॉमेडी है, अच्छे अच्छे लोकेशन का सीन है, गुजरात और गुजराती भाषा तो है ही। ट्रेलर का डायलॉग ही गुजराती भाषा से स्टार्ट होती है और ऐसे लग रहा है कि हंसाने के साथ साथ ये फिल्म अच्छे से रुलाएगी भी। तो क्या है वो सच जिसे हीरोइन सबसे छिपा रही है, जानने के लिए जाना पड़ेगा 29 जून 2023 को सिनेमा हॉल तक। अगर कास्टिंग की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, रितु शिवपुरी, मारू शेख, प्रिया पाठक और गजराज राव है।